हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ECR वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पे निकाली गई है। तो इसमें आप यहाँ पे किस तरह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिटेल में। तो आपका यहाँ पे RRC ECR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट हो जाते हैं। इस नोटिफिकेशन फॉर आपके यहाँ पे 1832 पोस्ट के लिए आपके यहाँ पे फॉर्म है वो आपके यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा आप किस तरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिटेल में। तो उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपकी जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो आपकी 10/11/2023, लास्ट डेट आपकी 9/12/2023 है। और यहाँ पे आपकी जो आपका सिलेक्शन है वो आपका मेरिट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे सिलेक्शन है वो आपका यहाँ पे होने वाला है। तो आपका जो भी यहाँ पे डिटेल है वो आप यहाँ पे इसको इसके फॉर्म भरने से पहले इसके नोटिफिकेशन में एक बार रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर हम जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दो स्टेप में आपके जो फॉर्म है वो आपको यहाँ कंप्लीट करने होंगे। तो स्टेप फर्स्ट में आपके न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक आपको करना है और आपकी जो यहाँ डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो आपकी यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट आपको कर लेना है कि किस किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद कैंडिडेट का जो नेम है, कैंडिडेट का आपका जो भी एक्चुअल नेम है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद आपका जो डिवीजन है तो वो डिवीजन आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो भी कम्युनिटी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कम्युनिटी रिलीजन है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो भी यहाँ पे PH कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप नहीं आते आप नो करेंगे। और उसके बाद आप ये एक्सर्विसमैन है आप यस करेंगे। और आपकी जो भी टाइप ऑफ एक्सर्विसमैन है वो आप यहाँ पे डिटेल है वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भर लेंगे। तो आप यहाँ पे एक्सर्विसमैन है या चाइल्ड एक्सर्विसमैन है, चाइल्ड सर्विस जवान है, जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे टोटल आपकी जो मिलिट्री सर्विस है तो आपकी ईयर आप भरेंगे, आपका मंथ आप भर देंगे। और आप नहीं आते हैं सिंपली आप नो कर देंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे डेट मंथ एंड ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट आपको कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ भरना होगा। और आपकी डेट ऑफ बर्थ आप अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरेंगे। आपकी ईमेल आईडी आप डाल लेंगे और रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ जब ये अपनी पूरी डिटेल यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे, उसके बाद आपका यहाँ पे जो आता है वो आता है आपका यहाँ पे सेकेंड स्टेप जो कि है कैंडिडेट लॉगिंग। तो आपको अपना जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना है, पासवर्ड आपको डालना है और कैप्चर कोड आपको सॉल्व करके आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिंग कर देना है। जब आप यहाँ पे लॉगिन कर देंगे उसके बाद आपका जो स्टेप टू है वो आपको यहाँ पे आपको करना होगा। तो आपको यहाँ पे आपको जो रेड पॉइंट है वो तो आपको यहाँ मैंडेटरी है आपको करना। तो आपको यहाँ पे जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको भरनी है, आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, आपका फादर नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। फादर नेम डालने के बाद आपका जो भी यहाँ पे आधार कार्ड नंबर है वो आप डालेंगे, आपकी नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे, आपकी बॉडी पे अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है तो आपको दो ऑप्शन दे के रखे हैं, अगर है तो आप दोनों ऑप्शन आप यहाँ पे भर देंगे, एक है तो आप एक भरेंगे, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे 9 मार्क्स यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद जब आप ये दोनों को यहाँ पे फिल आप कर लेंगे, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे आपका प्रेजेंट का एड्रेस। अगर आपका यहाँ पे जो भी प्रेजेंट का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। स्टेट आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका पिन कोड नंबर आपको भरना है। और अगर आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस को एड्रेस सेम है तो सेम इस पे करेंगे, अलग अलग है तो आप इसको अलग अलग यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका मैट्रिकुलेशन। तो आपकी जो भी 10th की डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। तो आपकी यहाँ पे सबसे पहले अपनी पासिंग ईयर है 10th की वो आपको यहाँ भरनी होगी आपका। उसके बाद बोर्ड का नेम है वो आपको बोर्ड का नेम आपका यहाँ पे डालना होगा। और उसके बाद आपके जो भी यहाँ पे CGPA मार्क्स है तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करने होंगे। CGPA है तो आपको टोटल मार्क्स और आपके जो ऑप्टेन मार्क्स है वो आपको डालना है, आपके परसेंटेज है वो आपको डालना है। अगर आपके मार्क्स सिस्टम है तो आप यहाँ पे आपके जो टोटल मार्क्स है वो आप डालेंगे, आपके जो ऑप्टेन मार्क्स है वो आप यहाँ डालेंगे और आपके परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद आपकी मार्कशीट जो नंबर है वो आपको ये डालना है। और उसके बाद आपका जो यहाँ पे जो मार्कशीट है उसकी यहाँ पे सेकंड कॉपी ऑफ मार्कशीट है तो वो आपको यहाँ पे अपनी जो साइज है वो आपको यहाँ पे देके रखी है। तो आपको यहाँ पे ब्राउजर पे जाना है, फाइल सेलेक्ट करनी है और आपको PDF फॉर्मेट में आपको ये अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो आता है वो आता है आपका यहाँ क्लिनिकल जो क्वालिफिकेशन है डिटेल वो आपको भरनी होगी। तो आपका डिवीजन आपने जो सेलेक्ट करा है पहले वो आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका जो यहाँ पे ट्रेड है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो डिवीजन के अकॉर्डिंग आपको अपना जो ट्रेड है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपकी जो पासिंग ईयर है वो आप यह सेलेक्ट कर लेंगे।
पासिंग ईयर सेलेक्ट करने के बाद जो आपके टोटल मार्क्स है वो आप डाल देंगे, आपके मैक्सिमम मार्क्स आप यहाँ की परसेंटेज आ जाएगी आपका, उसके बाद इंस्टीट्यूट का जो नेम है वो आपको यहाँ डाल देना है, आपकी जो नेशनलिटी है टेड की सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट जो नंबर है टेड के वो आपको यहाँ डाल देने हैं, उसके बाद आपकी जो सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद सेकेंड कॉपी मार्कशीट की है सर्टिफिकेट तो वो आपको यहाँ पे बस आपकी जो साइज है वो आपको दे रखी है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको यहाँ ब्राउजर पे जाना है, फाइल आपको सेलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपको अपलोड सर्टिफिकेट्स है वो आपको अपलोड सर्टिफिकेट करना होगा, तो अपलोड आपका सेट कास्ट जो सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड कर देना है, बाद आपका जो यहाँ पे फोटो है सिग्नेचर है वो आपको साइज भी यहाँ पे देख के रखिए, ब्राउजर पे जाना है, आपका फोटो है सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे अपलोड आपको कर देना है, थंब इम्प्रेशन है वो आपको यहाँ अपलोड कर देना है, साइज आपको यहाँ पे देख के रखिए, तो ब्राउजर पे जाना है, फाइल सेलेक्ट करनी है, अपलोड आपको कर देना है, उसके बाद डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे रीड करने के बाद आपको एक बार प्रीव्यू भी एक बार चेक कर लेना है, उसके बाद डिक्लेरेशन रीड करने के बाद आपको डिक्लेयर कर देना है और अपडेट नाउ पे आपको क्लिक करना है, अपडेट नाउ पे आप जब यहाँ क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको जो आपकी यहाँ पे डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएगी, उसके बाद आपका यहाँ पे आता है डिटेल है वो आपको एक अच्छे से चेक कर लेनी है, उसके बाद आपका जो यहाँ पे पेमेंट डिटेल है वो आपकी यहाँ पे देख लेनी है, तो अगर आप यहाँ पे जनरल और आप यहाँ पे ओबीसी में आते हैं तो ही आपका यहाँ पेमेंट है वो आपका लगेगा, तो आप इसके नोटिफिकेशन में जाके एक बार इसको अच्छे से आप रीड आउट कर लीजिए कि आपका कितना पेमेंट यहाँ लगता है, तो अगर आपका पेमेंट लगता है तो आप किसी भी बैंक के पोर्टल पे जाके आप अपना जो पेमेंट है वो आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे कि कोई अगर गलती हो गई है फॉर्म में तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो एक बार आपको चेक कर लेना है सब कुछ सही है तो आप सबमिट यहाँ पे कर देंगे, सबमिट जब आप यहाँ पे कर देंगे उसके बाद आपका यहाँ पे आता है कि आपको अपनी जो डिटेल है पूरी वो आपको एक बार अच्छे से आपको दोबारा आपको देखने को मिल जाएगी, और आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, तो आपको अपना जो प्रिंट है वो लेकर फ्यूचर उसके लिए संभाल के रख लेना है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।